हां जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। आप सब का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते नोबल कंप्यूटर्स। आप जी दे नाल आपां वादा कीता सीगा कि अपने जिन्ने भी आने वाले लैक्चर्स होणगे सारे लोकल लैंग्वेज पंजाबी च होणगे। सो पंजाबी लैंग्वेज च ही एक नवी सीरीज शुरू करन जा रहे हां, क्लास 11th दी फिजिक्स। काफ़ी बच्चों की डिमांड सीगी सर हिंदी या मोस्टली हिंदी या इंग्लिश जी लैक्चर्स अवेलेबल ने, या कुछ लोकल लैंग्वेज पंजाबी अवेलेबल ने, बट उ कुछ बुक्स या पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट नहीं पता चल रहा। सो उन्होंने स्टूडेंट्स की डिमांड से नवी सीरीज क्लास 11th की फिजिक्स। तो जिन्हें भी रैलेटिवस ने, फ्रेंड्स ने, जिन्हें भी क्लास 11th स्टडी कर रहे हैं, करोना काल में जो स्कूल नहीं जा पा रहे, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, या कुछ सीबीएसई के भी स्कूल्स ने जिथे क्लासेस ऑनलाइन लग रही ने, या डायरेक्टली उन्होंने सिर्फ वीडियो शेयर कर दी जाए जिथे कोई पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट नहीं पता चल रहा कि किस बुक को रेफर करके पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने वीडियो जरूर शेयर करो। ये सीरीज आप क्लास 11th फिजिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी मेनली फोकस, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक नो, सीबीएसई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दोनों बोर्ड ही एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर रहे हैं। सो इस सीरीज विच आपां ए टू जेड एनसीईआरटी नूं रेफरेंस लेके सारे लैक्चर्स कवर करांगे। सो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 तो। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। मैं थोड़ी जी गल इतने क्लीयर कर दिया कि चैप्टर नंबर 1 ज्यादातर स्कूल पढ़ाया नहीं जाता, बट आप शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 तो ही। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज जिन्हें भी स्टडी करनी आप किस नाल डील करांगे क्लास 11th क्लास 12th, वो किस तो रेफरेंस लाँगे चैप्टर 1 तो। फिर भी मैं लास्ट एक गल होर क्लीयर कर दिया कि इस दे एक्सरसाइज पॉइंट दे विच भी सब तो टॉप हेडिंग ते लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ बेसिक नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग ही ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं है कि इस चैप्टर विच मैं कुछ टॉपिक्स विचों स्किप करूंगा, मैं थोरोली एनसीईआरटी की लाइन वाइज नहीं पढ़ रहा एक एक लाइन नू, बट जो टॉपिक ने वो समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो कुछ टॉपिक्स भी जो वो स्किप करूंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट उन्होंने ओवरव्यू जरूर दिता जाऊंगा। सो पहला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। सिंपल गल है, क्लास 8th या 9th जो भी साइंस में तुसी तीन पार्ट से डिवाइड किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तुसी इस टॉपिक नू अच्छी तरह जान गए होगे या पढ़ लिया होगा, पहला ही डेफिनेशन पढ़ाउंदे आ कि फिजिक्स की है। अपनी वर्डिंग में जे आप गल करिए कि फिजिक्स है कि, या सब तो पहला आपां नूं साइंस दी डेफिनेशन बोली जाती है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ते बायो, तो मैं एक सिंपल भाषा में तुहाडे नाल गल कर रहा, फिजिक्स की है स्टडी ऑफ मोशन अंडर फोर्सेस। डिफरेंट फोर्सेस जे बॉडी के ऊपर लगन तो उदो आप बॉडी का मोशन जो स्टडी करते हैं उन्होंने की कहा जाता फिजिक्स। मतलब फिजिक्स से आप मेनली मोशन नाल डील करते हैं, एट द एंड एक गल कहने चाहते हैं विच डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व किए हैं, वो फोर्सेस आप आगे पढ़ते हैं। सेकंड इस विच टॉपिक आता है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप की है रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कितने कितने बेनिफिट ने, कितने कितने इनके नाल आप लाभ ले रहे हैं, किवें किवें फिजिक्स नूं आपां रियल लाइफ विच डील कर रहे हैं, वो सारा कुछ है तुसीं रीड कर सकते हो, इंपोर्टेंट सिर्फ बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लिए। थर्ड है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए गल करिए फिजिक्स की डेफिनेशन होगी, फिजिक्स टेक्नोलॉजी नाल कितना रिलेटेड है सारा कुछ तुसीं देख पढ़ सकते हो, सोसाइटी सोसाइटी केड़े केड़े डिफरेंट पर्सनैलिटीज हुई जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज की, या फिजिक्स उन्होंने योगदान की है आप कह सकते हैं। हुण इस दे विच इंपोर्टेंट की है या तुसीं की याद कर सकते हो इंडियन साइंटिस्ट दे नाम कि इंडियन साइंटिस्ट ने की डिस्कवरीज
ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ए लाइन या ए टॉपिक इंपोर्टेंट है, इन्हों तुसी आपा डिटेल डिस्कस करांगे, तुसी बुक दे हुई आराम नाल लाइन वाइज पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि इस टॉपिक दे विच इंपोर्टेंट है काफी कुछ। या क्लास 11th 12th की फिजिक्स ही सारी जो डिफरेंट फोर्सेस ने वो फोर्सेस आपा एथे स्टडी करांगे। फिफ्थ टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। गल करते हैं जो टॉपिक इंपोर्टेंट है उसको कंटिन्यू करते हैं। अपना पहला चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर ही रहेगा, छोटी वीडियो रहेगी बट हेल्पफुल रहेगी, मजा आएगा यार। नवी सीरीज है पंजाबी विच है प्योर, ताडे सारेयां दे साथ दी जरूरत है, नाल कंटिन्यू कर पढ़े। हाँ जी, तो जो आप टॉपिक कह रहे थे इंपोर्टेंट है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, तो उसके बारे डिस्कशन करते हैं। फोर टाइप्स में फोर्सेस ने नेचर जिन्हें आप स्टडी भी करते हैं या आप डील करते हैं, बाकी फोर्सेस और कौन गया बस आप नहीं पता। जिन्हें बारे फिजिक्स आप पढ़ना है वो फोर फंडामेंटल फोर्सेस ने, जिन्हें सब तो पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेशन की है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब force between two objects by virtue of their masses, मतलब जेडियां भी दो bodies का mass है ओना दे विच केडी force लगती है, gravitational force। force between two bodies या objects by virtue of their masses। दो objects ने m1 m2 अज्यूम कर लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट में, अज्यूम कर लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट में सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ओनो fg इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इथे g कैपिटल g की है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस दिया वैल्यूज तुसी आगे पढ़ोगे। पूरा टॉपिक है क्लास 11th में चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो उथे अच्छी तरह डील करांगे। फिलहाल ही डेफिनेशन ना ली अपन देखते हैं या फॉर्मूला थोड़ा। नेक्स्ट अपन गल करिए कि यूनिवर्स दे विच जितने भी ऑब्जेक्ट ने एक एक्ट्स ऑन all objects present in universe, जिन्हें भी object ने सारे energy act कर दिया है, so its range is infinite, so range की है infinite है, मतलब हर एक object ने विच act कर दिया range है infinite, but relatively की है वीक है या वीकर वीकेस्ट है, रिलेटिवली वीकेस्ट फोर्स है नेचर। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि रिलेटिवली कितना, जब मैं आप गल करिए कि अपना अपने घर तो डिस्टेंस है शहर तक दसना होए, तो मतलब मैं अपने घर नु रेफरेंस ले रहा हूं तो शहर तक पॉइंट का डिस्टेंस दस रहा हूं, उसी तरह ही इथे रेफरेंस फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नो लिया जाता है। आगे आप स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब जे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी वैल्यू 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ दी वैल्यू 10^-39 है, या इन दोनों का रेशियो की है 1:10^-39, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है
among the four forces the weakest force ke liye gravitational force aaj aap study karange nuclear force strong nuclear force bare filhal the gravitational force the definition se ki is bare nasika ki is the weakest force gina jata hai between all objects act karde hai jinna da mass hunda hai मतलब हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है चाहे पता नहीं लगता क्योंकि वैल्यू बहुत स्मॉल है तो सेकंड टाइप की जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखिए नाम तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा होएगा जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लग रही थी जिन्हों का मास सी गया जो ऑब्जेक्ट्स मास पोसेस करते हैं सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किया फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स कि जिन्हें भी चार्ज पार्टिकल्स ने ओना दे विच जेडी फोर्स एक्ट करती है वो केडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ऑल चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिवर्स केडी फोर्स एक्सपीरियंस करते ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हाँ, रेंज की हो गई यूनिवर्स के बीच ऑल आ गया था इनफाइनाइट अगेन जे आपा कल करिए कि इज द रेंज इनफाइनाइट है ऑल ऑब्जेक्ट्स के बीच एक्ट करते हैं जेडे भी चार्ज पार्टिकल्स ने बट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ की है 10 रेस टू पावर माइनस 2 बोले कंपैरेटिवली कंपैरिजन की दे नाल कीता गया कंपैरिजन strong nuclear force उसका रेशियो जेवनो आप अपन वैल्यू मान देने हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कितनी है 10 रेस टू पावर माइनस 2 थर्ड फोर्स है अपने को वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम तो सजेस्ट हो रहा है वीक न्यूक्लियर फोर्स बट वीकेस्ट नहीं है वीकेस्ट केड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स ये वीक है मतलब ये भी किना के बीच लगती है सम न्यूक्लियॉन्स एंड लाइटर पार्टिकल्स के बीच रेंज बहुत छोटी है या वेरी शॉर्ट रेंज अप्रोक्सीमेटली 10 रेस टू पावर माइनस 16 मीटर तक ही सिर्फ एक्ट कर पाती है मतलब बहुत छोटी रेंज है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अगर गल करी जाए तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है 10 रेस टू पावर माइनस 13 कंपैरिजन किस दे नाल है न्यूक्लियर फोर्स दे नाल है देन फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगेन सब तो पहला स्ट्रॉन्गेस्ट क्योंकि इसनो आपा वैल्यू की देती है रेफरेंसली 1 बट रेंज इज दी शॉर्ट है ज्यादा कंपैरेटिवली उसमें तो थोड़ी रेंज ज्यादा बट है शॉर्ट ही मतलब रेंज किना दी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ग्रेविटेशनल फोर्स दी बट स्ट्रांगेस्ट फोर्स केड़ी है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हुन किना दे विच एक्ट कर दी है एटम्स दे विच जेड़ा की न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हेड ने आपस में जो टाइटली बाउंड ने वो कीने करके ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करके चारों टाइप्स के फोर्सेस तुसी स्टडी करोगे क्लास 11 ते क्लास 12 ते विच इनों के अलावा जो आपा फोर्स पहला स्टडी करदे आ रहे एक्सटर्नल फोर्सेस दा आपा कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा ले आ इनों के ऊपर सारे क्लास 11 ते विच तुसी न्यूमेरिकल स्टडी या थ्योरेटिकल स्टडी करने की कोशिश करांगे आपा सारे मिलके एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11 का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स क्लास 12 के बीच स्टडी करेंगे सो जिन्ना समझ आया बहुत बढ़िया जिन्ना नहीं समझ आया एनसीईआरटी बुक में एक बार थोरली पहले चैप्टर रीड करिए जे कोई भी डाउट आता मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है तुसी ओथे मेनू मैसेज कर सकते हो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो तानू कोई ना कोई टीम मेंबर वालों जवाब जरूर मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करोगे तानू ते कदे भी जे मैसेज में रिप्लाई करने में देरी हो रही है ता हो सकता है किधर और वीडियो लेक्चर्स बनाने में या क्लासेस में बिजी होइए बट हर एक चीज का हर एक डाउट का आंसर जरूर मिलेगा आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद साडे जिन्ने भी रिलेटिव्स ने फ्रेंड्स ने जेडे भी क्लास 11th नु स्टडी कर रहे ने सब नाल लेक्चर जरूर शेयर करियो आप दी सपोर्ट तो बिना चैनल ग्रो नहीं हो सकता सो लाइक शेयर ते सब्सक्राइब जरूर करियो धन्यवाद